नालंदा के एक युवक से पटना की एक लड़की 3 साल से प्यार करते थे। अपने प्यार को रिश्ते में बदलने के लिए प्रेमी प्रेमिका ने 3 महीने पहले एक दूसरे से शादी रचाई थी और दोनों पारिवारिक जीवन में जी रहे थे, लेकिन शादी के 3 माह बाद ही इस प्यार का खौफनाक अंत हुआ और नवविवाहिता की हत्या कर दी गई। दहेज लोभी परिवार वालों के द्वारा आज भी दहेज के कारण बेटियों को नहीं बख्शा जा रहा है और चंद रुपए और सामान के लालच में पति और ससुराल वालों के द्वारा गुड़िया जैसी बेटी की हत्या कर दी जा रही है। नालंदा के चंडी थाना क्षेत्र के मोकिमपुर गांव में नवविवाहिता की हत्या का मामला सामने आया है। नवविवाहिता की हत्या कर ससुराल वाले एम्बुलेंस से सब का दाह संस्कार करने के लिए बाढ़ ले जा रहे थे, लेकिन मायके वाले के पहुंचते ही सभी लोग नवविवाहिता के सब को बीच रास्ते में ही छोड़कर फरार हो गए। ससुराल वाले ने दहेज में 2 लाख रुपए और बाइक नहीं मिलने पर विवाहिता की हत्या कर दी है। युवती की 3 माह पूर्व ही शादी हुई थी और मृतका के भाई अंकित कुमार ने बताया कि 3 साल पूर्व चंडी के सैदीपुर गांव में मामा की शादी में गई थी। उसी दौरान दोनों की मुलाकात और बातचीत शुरू हुई और एक दूसरे का बातचीत प्यार में बदल गया। 3 माह पहले ही प्यार पारिवारिक रिश्ते में बदल गई थी और मृतका की पहचान सुनील कुमार की पत्नी गौरी कुमारी के रूप में की गई है। मृतका पटना जिले के बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के सरैया गांव निवासी गणेश जमादार की पुत्री है। वहीं शादी के कुछ महीने बाद से ही ससुराल वालों के द्वारा 2 लाख रुपए और बाइक की मांग की जाने लगी थी। फोन से भी कई बार इसकी मांग की गई और शादी में रुपया खर्च होने के कारण मायके वालों का हाथ खाली हो गया था, इसलिए उन लोगों के द्वारा रुपया देने से इनकार किया गया तो विवाहिता के साथ मारपीट और प्रताड़ना की जाने लगी। सोमवार के पड़ोसियों के द्वारा यह फोन करके बताया गया कि उसकी बहन की हत्या कर सबको ठिकाने लगाने के लिए ले जा रहे हैं। सूचना मिलते ही पीड़िता के परिवार वाले उसका पीछा किए तो बिंद थाना क्षेत्र के समीप एम्बुलेंस से सब ले जाया जा रहा था और उन लोगों को देखकर ससुराल के लोग एम्बुलेंस को छोड़कर फरार हो गए, जिसकी जानकारी चंडी थाना को दी गई और इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर सब को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। पोस्टमार्टम करवाकर सब परिजनों को सौंपा गया। वहीं चंडी थाना अध्यक्ष सुमन कुमार के द्वारा बताया गया है कि मामले में पति समेत 8 लोगों के खिलाफ मायके वालों के द्वारा दहेज हत्या और प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया गया है। जांच कर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। अक्सर यह देखा जाता है कि प्यार में खौफनाक वारदात को ही अंजाम दिया जाता है, जैसा कि इस गौरी के साथ हुआ। 3 साल के प्यार को इसने 3 महीने पहले ही पारिवारिक रिश्ता में बदला था।